सो हेलो एवरीऑन, बातसाई ट्रेडिंग रूम में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करती। सो दोस्तों, आज बैंक निफ्टी का चार्ट जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट यहाँ पर क्रिएट कर चुका है, जो ओवरऑल मार्केट की मोमेंटम है, सेंटीमेंट है, बिहेवियर है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ। फर्स्ट यहाँ पर आप लोग देखोगे, इट इज़ ए वन डे टाइम फ्रेम चार्ट। आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको याद है मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर बता दिया था कि मार्केट ने जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को टच करना या ब्रेकआउट करना बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी चांस है। एकदम डायरेक्ट ब्रेकआउट ना करे, थोड़ा बहुत मार्केट अपने आपको रिट्रेसमेंट लेके अप डाउन करते हो, रिट्रेसमेंट ये रेजिस्टेंस को टच करे। आप लोग देखोगे फाइनली ये रेजिस्टेंस ये कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर टच कर गया है। अभी सवाल आ जाता है कि यार रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ जाएगा या इस रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर आ जाएगा, है ना। किसी को लगेगा अरे सर ये रेजिस्टेंस अभी ब्रेकआउट कर देगा, लास्ट टाइम ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, जिस टाइप से मार्केट मूव कर रहा है, थ्री ग्रीन कैंडल बनाती हुई, रेड कैंडल बनाती है, हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर है, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा। किसी का यहाँ पर इंटेंशन होगा कि भाई मार्केट है यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आ जाएगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके ऊपर आना है तो आएगा, नहीं तो और नीचे आ जाएगा, है ना। यही सारे सवाल अभी हम लोगों के दिमाग के अंदर आते, तो चलो प्राइस क्या बोल रहे अभी हम लोग देख लेते। देखो हम लोगों को कुछ भी लग सकता है, किसी को बाई लगेगा, किसी को सेल लगेगा। एक चीज़ याद रखो, हम लोग चार्ट से पहले ना चले, चार्ट के पीछे पीछे चले। चार्ट बने तब हम लोग बोले हाँ ये हुआ है। चार्ट बनने से पहले अगर हम लोग कोई एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन बना लेंगे तो क्या होगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, कल को अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऐसे नीचे आएगा, कल को आपके सामने मार्केट ऊपर आएगा, बाय नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लिया है। ये आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम हुआ है कि आपने प्रीवियसली सोचा अभी तो बाय होगा ही होगा, उसके बाद आपके सामने मार्केट नीचे आ रहा था, बट आप सोच रहे हो तो अभी ऊपर आएगा। इस चक्कर में मार्केट और नीचे गिरता गया, और अगर आप वहाँ पर आपकी व्यू के हिसाब से ट्रेड लेते रहे हो तो आपको और लॉस चला जाता है और यार ट्रेड छूट जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्मार्टली काम करेंगे। पहले देखो प्राइस क्या बोल रहा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्राइस जो बोल रहे, फर्स्ट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक ब्यूटीफुल अपर साइड की मोमेंटम आया, प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। आफ्टर द रेजिस्टेंस प्राइस क्या हुआ, आफ्टर द रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं राइट। सो अभी रिकॉर्डेड कौन कर दिया, सो अभी यहाँ पर आफ्टर द रेजिस्टेंस क्या हुआ, आफ्टर द रेजिस्टेंस प्राइस यहाँ पर अपर साइड मोमेंटम चलने लगा। यहाँ पर एक चीज को याद रखो, ये रेजिस्टेंस था मार्केट के अंदर, ये क्या था, रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेते हुए नीचे आया। इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है, ये कहने की एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रूफ है कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू है। मैं आप लोगों को जैसे एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, मान के चलो हम लोगों की देश का कोई भी पीएम हो, पीएम अगर कंटिन्यू 5 साल फिर अगेन 5 साल आ रहा है, मतलब कंटिन्यू 2 बार वो पीएम की सीट में बैठा हुआ है, मतलब क्या वो सस्टेन कर रहा है। ऐसा कोई लॉजिक होगा, ऐसा कोई स्ट्रेटजी होगा, वो रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, इट इज अनदर टॉपिक। वहाँ पर सस्टेन हो रहा है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल रखता है पीएम सीट में बैठने के लिए, रॉन्ग वे में हो और राइट वे में हो, इट इज अनदर चांसेस, है ना। तो उसी तरह प्राइस भी अगर किसी एक लेवल पे, हायर लेवल पे अगर सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस के अंदर ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर आ जाए, ये कहीं ना कहीं एक तरह का प्राइस यहाँ पर पोटेंशियल रखता है, बिकॉज प्राइस हायर लेवल पे सस्टेन हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन तो किया है ना, फ्राइडे को प्राइस सस्टेन तो किया, इसके नीचे तो प्राइस क्लोज नहीं हुआ, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है, राइट। सो अभी ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या, कल को हम लोग किसी भी टाइप से बाई कर ले, नहीं, कुछ कंडीशन होना चाहिए। मान के चलो कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या हल्का गैप अप खुलता है, तो उसके बाद मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है फॉर अपर साइड में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, इन दैट सिनेरियो मार्केट यहाँ से और ज़्यादा ऊपर आना चाह रहा है, मार्केट के अंदर अपर साइड मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, मान के चलो मार्केट के अंदर यहाँ से अराउंड मार्केट 200 पॉइंट या 250 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होता है, मतलब यहाँ पर 46,300 के आसपास गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाता है, सपोर्ट बनाती हुई, एम पैटर्न बनाती हुई, मार्केट सपोर्ट ब्रेकडाउन करते हुए नीचे आ रहा है, इन दैट सिनेरियो क्या होगा, इन दैट सिनेरियो मार्केट के अंदर यहाँ पर हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रखेंगे, एक सेलिंग व्यू यहाँ पर रखेंगे, राइट। अगर मान के चलो ऐसा ना होते, मार्केट गैप डाउन खुलता है, उसके बाद मार्केट हायर लो बनाने के साथ, हायर लो के साथ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर हम लोग बाई कर लेंगे, क्यों, बिकॉज मार्केट की ओवरऑल पिक्चर बाइंग साइड है, तो गैप डाउन खुल रहा है, खुलने के बाद मतलब क्या है, बायर और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, बिकॉज डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है,
डिस्काउंट प्राइस के साथ अगर यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देगा तो टोटल कॉन्फर्मेशन आ जाएगा, हाँ बायर यहाँ पर मार्केट को बाई कर रहे, तो वहां से हम लोग बाई कर लेंगे। तो इसका सेल का क्या है, सेलिंग का सिर्फ मैंने एक ही व्यू बताया, गैप अप खुलने के बाद, वो भी 250 पॉइंट की गैप अप खुलने के बाद सपोर्ट ब्रेकडाउन, उसके साथ और एक व्यू है मार्केट फ्लैट ओपन हो या हल्का गैप अप खुले या मार्केट का गैप डाउन खोलो, तीनों सिनारियो के अंदर मार्केट अगर पहला सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग गलती से भी मार्केट को सेल नहीं करेंगे। उसके बाद जब मार्केट अगर अगेन मतलब डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है, सो इन दैट सिनारियो हम लोग सेलिंग साइड के लिए मार्केट जा सकते हैं, है ना। बट सेलिंग करेंगे थोड़ा सोच समझ के, बिकॉज मार्केट के अंदर स्ट्रांगली बुल मार्केट अभी खड़ा हुआ है, बट यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, तो दैट रीजन यहाँ पर नीचे आने की चांसेस है शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद फिर मार्केट घूम के, पहले तो यहाँ पर मान के चलो डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन करते हो मार्केट नीचे आ रहा है, उसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद हायर लो बनाने के साथ फिर ऊपर आ सकता है, ये भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। उसके बाद आ जाता है निफ्टी, निफ्टी भी सेम सिनारियो, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है, अपर साइड में प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है, ये कहने की बुल मार्केट की निशानी है, इंडिकेशन है। सेम निफ्टी फ्लैट ओपन हो या हल्का गैप अप खुले, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस है, बिकॉज मार्केट कहने की हायर लेवल पे सस्टेन हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मार्केट अगर गैप अप खुलता है अगेन एग्जैक्ट 2200 के आसपास और यहाँ से सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है तो यहाँ से एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी है। और क्या हो सकता है, और मान के चलो मार्केट के अंदर फ्लैट गैप अप या गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे आ जाता है, डबल सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है, तो डाउन साइड की व्यू के लिए हम लोग जाएंगे, और उसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद अगर मार्केट हायर लो बना देता है तो फिर यहाँ से अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। राइट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर।